इरशाद फरमाता वबदत यदा वबदत बैदाहु। फरमाया कुरान पाक के अंदर आता है कि अल्लाह पाक फरमाता कि वब यद्दत ऐनाहु, उनकी आंखें सफेद हो गई। किस में सफेद होगी? रो रो कर, यानी आंखों की नजर चली गई। किस में? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई। तो हजरात मोहतरम, जिस तरह 12 बेटों में से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने प्यारे बेटे लखते जिगर नूरे नजर को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम प्यारे थे, इसी तरह रब करीम को इन तमाम महीनों में से जिस महीने के साथ प्यार था वो महीना था रमजान मुबारक का, रमजान मुबारक का महीना। और मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम को जिस महीने से ज्यादा प्यार था वो था शोबानुल मुअज्जम का महीना, जिसके मुतल्लक हजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं शोबान व शहरी। फरमाया शोबान मेरा महीना है व रमदान व शहरुल्लाह, और रमजानुल मुबारक का महीना जो है वो अल्लाह का महीना है। अब देखो अल्लाह पाक ने कितना, ये एक मोहब्बत की बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अल्लाह करीम को अपने महबूब के साथ कितना प्यार है कि अल्लाह का पाक खुद फरमाता है कि ऐ मेरे प्यारे महबूब, मेरा जी ये चाहता है कि इजा जुकिर तो जुकिर तमाई, के महबूब जहां मेरा जिक्र हो साथ तेरा जिक्र। आप देखे अलहमद से लेकर वन्नास तक सारा कुरान आप उठा कर देख लें, सारा कुरान आप पढ़ के देख लें, खुदा की कसम है जहां खुदा का जिक्र है साथ मुस्तफा का जिक्र है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक, इसके मुतलक देखिए हुवल्लज़ी, इससे मुराद रब करीम की जात है, इससे मुराद रब करीम की जात है। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक, वो जात जिसने अपने प्यारे महबूब को अपने सच्चे रसूल को हक के साथ भेजा, हक के साथ भेजा है। हज़रात मोहतरम कलमा देख लीजिए, कलमे के अंदर अल्लाह करीम ने अपने जिक्र के साथ मुस्तफा का जिक्र रखा है। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह, तो याद रख ले कि जब तक इंसान ला इलाह कहे लेकिन मुहम्मदुर रसूलल्लाह ने कहे वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान तब होगा कि सारी कायनात से बढ़कर मुस्तफा अलैहिस्सलाम के साथ वो प्यार करे। तो देखिए हजरात मोहतरम हजूर अलैहिस्सलाम को इस माह मुबारक के साथ बहुत मोहब्बत थी। रवायात के अंदर आता उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाती है, आप फरमाते कि हजूर अलैहिस्सलाम रमजानुल मुबारक के अलावा किसी महीने में इतने नफली ज्यादा रोजे नहीं रखा करते थे जितने रोजे शोबानुल मुअज्जम के महीने में। हजूर अलैहिस्सलाम, आप देखिए मोहब्बत की बात ये करना चाहता हूँ कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जरा अंदाजा लगाइए। रवायात के अंदर आता है हजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम को दावत दी कि आका मेरे घर तशरीफ लाइए, मेरे घर की रौनक को दुबाला कीजिए। रवायात के अंदर आता है हजूर अलैहिस्सलाम उस गुलाम के घर तशरीफ ले गए और उस गुलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम के सामने खाना पेश किया और उस खाने के बर्तन के अंदर क्या था? कद्दू शरीफ थे और साथ गोश्त था। और देखिए कि कद्दू का सालन, कद्दू शरीफ का सालन और साथ हजरात मोहतरम अगर गोश्त हो तो मजा ही क्या हो जाता है, तो मजा ही दोबाला हो जाता है। तो हजूर अलैहिस्सलाम क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को तनावल नहीं किया, हजूर ने कद्दू शरीफ को क्या किया, उसको पसंद फरमाया। तो हजरात मोहतरम मालूम ये हुआ कि मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू के साथ कितना प्यार है। अब रवायत के अंदर एक मकाम पर आता है कि जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना प्यार था बल्कि जिस चीज की निस्बत मेरे मुस्तफा के साथ हो गई हजरत उमर ने उससे भी प्यार किया। अब हजरत असद को हजरत उमर फारूक ने क्यों उसको बोसा दिया? आपने मुखातब होकर कहा कि ऐ हजरत असद, मुझे पता है कि तू जन्नती पत्थर है, तू जन्नत से लाया गया है,
लेकिन आज मैं तुझे जन्नती पत्थर समझकर चूम नहीं रहा, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफा ने चूमा है, मेरे मुस्तफा ने चूमा है, मेरे आका ने चूमा है। तो हजरत मोहतरम मालूम ये हुआ कि जिस शय के साथ हुजूर को निस्बत हो जाए उसको चूमना सहाबा इकराम की सुन्नत है। अब एक बात मैं आखिरी बात बयान करना चाहता हूँ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, आपको एक रवायत के अंदर आता है एक बंदे ने कहा कि कद्दूस के साथ नफरत, क्या किया कद्दूस के साथ नफरत की, आपने उसका सर कलम कर दिया, इसलिए कि ये वो शख्स है जो मेरे मुस्तफा के कद्दू शरीफ के साथ क्या करता है, नफरत करता है। तो इसलिए हजरत मोहतरम कभी भी कद्दू शरीफ के साथ नफरत न करना, ये वो हजरत मोहतरम सब्जी है जिससे मेरे मुस्तफा को प्यार है। और एक आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि ये कद्दू जो है इतनी शान वाला, इतनी शान वाली सब्जी है, और ये वो कद्दू है जिसकी बेल के मुतल्लक आता है कि ये कद्दू जो है इस पर क्यामत तक मक्खी नहीं बैठेगी, क्यामत तक इस कद्दू पर मक्खी नहीं बैठेगी। इसकी वजह क्या है, रवायत के अंदर आता है कि हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम, आपको पता है मछली के पेट में तशरीफ ले गए और आपने मछली के पेट के अंदर ये आयते करीमा पढ़ी थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। यही वजह अगर हमारा कोई कैदी कैद खाने में चला जाए तो हम 1,00,000 पढ़ते हैं या जितना भी हो सकता है, हम तो उसको छुड़वाने के लिए हसूल बरकत के लिए ये आयते करीमा का 1,00,000 हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। तो हजरत मोहतरम हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जब आप हजराते मोहतरम पानी से बाहर तशरीफ लाए, आपको मछली ने बाहर निकाला, तो जब आप जमीन पर तशरीफ लाए तो रवायात के अंदर आता है कि अल्लाह करीम की मोहब्बत ने यह गवारा ना किया कि मेरा पैगंबर हो और मेरे पैगंबर के जिस्म पर गंदी मक्खी जो है वो बैठ जाए, गंदी मक्खी बैठ जाए। अल्लाह करीम ने वहां पर क्या कर दिया, कद्दू की बेल बना दी, क्या बना दी, कद्दू की बेल बना दी। और हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम उस कद्दू की बेल के नीचे आपने क्या किया, आराम फरमाया, क्या किया, आराम फरमाया। रब ये चाहता था कि मेरे प्यारे यूनुस को गर्मी ना लगे, छांव बनाने के लिए अल्लाह करीम ने वहां कद्दू की क्या कर दी, बेल जो है वो वहां पर बना दी। तो हजरत मोहतरम ये फिर कितनी शान वाली ये सब्जी होगी कि जिस सब्जी के साथ मेरे मुस्तफा को क्या है, प्यार है। तो हजरत मोहतरम इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम को तमाम महीनों से अगर मोहब्बत थी वो थी शौबान का महीना, यही वजह इसको शौबान को शौबानुल मुअज्जम कहा जाता है। तो हजरत मोहतरम अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, आकमुल आकिमीन इसी रात की 15 तारीख शबे बरात को हम क्या करते हैं, पटाखे की नजर कर देते हैं, आतिशबाजियों की हम नजर कर देते हैं। तो हजरत मोहतरम आतिशबाजी करना ये खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत तरीका क्या है, मेरे मुस्तफा ने उस रात को खड़े होकर अल्लाह ताला की इबादत की, उस रात को मेरे मुस्तफा ने क्या किया, मेरे मुस्तफा ने कुरान पाक की तिलावत फरमाई, उसी रात को मेरे मुस्तफा कहाँ तशरीफ ले जाते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाते थे। मालूम ये हुआ इस रात को कब्रिस्तान में जाना भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, इसलिए उस रात को कब्रिस्तान में जाओ ताकि मुस्तफा की सुन्नत जिंदा हो जाए। हुजूर ने फरमाया जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह करीम उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, आकमुल हाकिमीन जो कुछ बयान किया अल्लाह पाक इसी पे तौफीक अमल नसीब फरमाए।